नमस्कार, मैं हूं इसकेपाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक के चिलौली ग्राम पंचायत में, जहां पर हम विकास की दस्तक को लेकर के वार्ता करेंगे। विकास की दस्तक को आप कार्यक्रम को देख रहे हैं और यहां पर हमारे साथ वार्ता करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी हैं और उनसे बात करेंगे विकास को लेकर के। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए, आपने अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए? बहुत सारे काम हुए हैं हमारे 2 साल में। कई सारे इंटरलॉकिंग हुई हैं, खड़ंजे लगवाए गए हैं, नाली बनवाई गई है और कच्चे संपर्क मार्ग किसानों को आने जाने में असुविधा होती थी, वहाँ पर जहाँ नहीं चकरोड थे बने थे वहाँ पर चकरोड बनवाए गए हैं। और सबसे प्राथमिकता हमने स्कूलों पर दी है। एक स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, उच्च प्राथमिक विद्यालय लोली वहीं बाउंड्री बनवाई है और शौचालय, ये सारे काम हुए हैं। शौचालय आपने लगभग कितने बनवाए होंगे पूरी ग्राम पंचायत में? हमारे ग्राम पंचायत में 6 स्कूल हैं जी। 6 स्कूल में हमने 6 स्कूलों में शौचालय बनवाए हैं, एक एक हर विद्यालय में। दिव्यांग शौचालय हाँ, क्या बने हैं? दिव्यांग शौचालय बने हैं सारे स्कूलों में। अच्छा, पुष्प वाटिका? पुष्प वाटिका हमारे यहाँ नहीं। आपके यहाँ नहीं बनी? तो बहुत से अभी गलियां हैं मजरों में, अर्थात कहा जाए ग्राम पंचायत के स्तर में जो नालियां हैं, अभी उनकी स्थिति बेकाबू स्थिति में है, दुर्दशा की स्थिति में है। जी जी, तो क्या करना चाहेंगे उनको, कब तक लगभग सही करा लेंगे? जैसे ही सरकार से बजट आता है उनकी भी हालत सुधर जाएगी। नहीं, ये आप मानते हैं स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जब गंदगी होगी तो गंदगी के साथ में कहीं ना कहीं मच्छरों की उत्पत्ति ज्यादा होगी या अन्य तरह की अनेकों अनेक बीमारियां फैलेंगी, जिससे कि लोग बीमार होंगे, बीमारी से ग्रसित होंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी जल्दी में 2 महीना पहले हमने जो है हर जगह नाली में पूरे 5 गांव में जो है छिड़काव का, दवा का छिड़काव, एसिड का और क्या बोलते हैं ब्लीचिंग का, ये सब छिड़काव करवाए हैं नालियों में। इसकी वजह से गंदगी बहुत कम होती है। विकास कार्य को लेकर के आपके यहाँ पंचायत भवन होगा, तो उसमें जो सहायक की नियुक्ति हुई, उस सहायक की नियुक्ति के बाद क्या वो ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को निःशुल्क रूप से करती है, ऑनलाइन करना या अन्य तरीके से, या किसी से कह देती है कि आप जाइए कैफे से करवा के लाइए? अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि उन्होंने मतलब किसी से पैसे मांगे हों। फिलहाल तो जो जाता है उनका काम होता है। पूर्व विधायक अनिल सिंह जी हैं, उनका क्या सहयोग आपकी ग्राम पंचायत में? नहीं, माननीय जी का सहयोग हमारे साथ भी रहता है, पंचायत के साथ भी रहता है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बराबर जो है हम लोगों का सहयोग करते हैं। अगर कोई बात होती तो हम लोग उनसे बताते तो हमारी मदद भी करते हैं। 2024 का आगाज हो गया है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 9 वर्ष, तो उसमें आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी पूरे ग्राम पंचायत की जनता को हम यही कहेंगे कि सभी का 9 वर्ष जो है हंसी खुशी से बीते और हमारी प्रजा हरदम खुशी रहे जी। और यदि 2024 के बाद ये आ चुका है तो इसमें विकास कार्य की कोई ना कोई रूपरेखा नए वर्ष के, क्योंकि प्रजा को सुख रखने के लिए विकास की स्थिति को बढ़ाना होगा, तो कहीं ना कहीं वो रूपरेखा तय किया? जी जी बिल्कुल, हमने प्राथमिकता के तौर पर जहाँ ज़्यादा समस्या आ रही है, जैसे हमारे गाँव में जो है अभी जल भराव की स्थिति है थोड़ी जगह में, तो इसी जनवरी में या हो सकता लास्ट जनवरी तक हम उसमें काम शुरू करवाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे विकास की दस्तक को, और विकास की दस्तक में पूरी तरह से प्रधान जी ने बताया कि वास्तविक रूप से विकास के कार्यों को किस तरीके से मैंने किया और जो भी विकास के कार्य छूट चुके हैं अर्थात रह गए हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा।